दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। कि अगर भाजपा हारी है तो देश को भविष्य खराब हुई है और भाजपा जो बा हरा आसान नहीं है, जनता का बड़ी नसीब खराब हो तब मान चला हारी। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ जिसका नाम है आज क्या है वायरल। सुने चाचा क्या कह रहे हैं। दरअसल चुनौवा का वक्त है, चाचा का वीडियो भी सुनने लायक है। ये शेयर किया है बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी ने। पहले सुनिए पूरा वीडियो। कि अगर भाजपा हारी है देश को भविष्य खराब हुई है और भाजपा जो बा हरा आसान नहीं है, जनता का बड़ी नसीब खराब हो तब मान चला हारी। हाँ बाबा, बात हमारे से आशीर्वाद है कि भाजपा रोवा रोवा से यह है कि भाजपा आवे नहीं तो सारे दूर अब की चमड़ी नहीं अपनी खुनवा पी गई है। सही हाँ भैया, हाँ खून पी गई है। हाँ, बाल ब्रह्मचारी योगी मोदी ऐसा आदमी कहाँ देश मिले, का नीचे हो गए आए हैं। अब इनका अगर ये तिरस्कार कह दे सार नरकों में ठिकाना लागे। भैया हंसा जी गलत है, हसत नहीं है बाबा, हमको खुशी होती है आपके पास सुनकर। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी नेता लिखते हैं कि पूरा का पूरा विपक्ष मिलकर 7 जन में भी ऐसा विश्वास हासिल नहीं कर सकता है, ये भारत की आवाज है। हालांकि ये तो बीजेपी के लोग शेयर कर रहे हैं। इसके इतर सच्चाई तो प्रदेश की जनता चुनाव बाद ही बताएगी, लेकिन तब तक इस तरह के रोचक वीडियो देखते रहिए, क्या बुराई है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे स्थानीय नेताओं की गहमा गहमी का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। उदाहरण के लिए देखिए सोशल मीडिया पर वायरल सपा कार्यकर्ताओं का हाल। दरअसल ये तस्वीरें हैं चंदौली की, रविवार मतलब 5 दिसंबर का वीडियो है जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई और एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यहां सपा कार्यकर्ता ने पुलिस कर्मी को आरएसएस का गुंडा कहा, नेम प्लेट के बारे में भी पूछा और बहुत गुस्से में थे नेताजी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। अब आपको बता दें कि जो वीडियो में नेताजी दिख रहे हैं जो वर्दी पर इतना गर्म हो रहे हैं उनका नाम है चक्रू यादव। ये पहले छात्र नेता थे, उसके बाद समाजवादी युवा जनसभा का जिला अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भैया आजमगढ़ को लेकर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि पहले से अब तक यहाँ की जो इमेज बनाई गई थी वो अब काफी बदल चुकी है। ये जो माफिया पहले मऊ के अंदर दंगा कराते थे, आजमगढ़ को बदनाम करते थे, आज आप देख रहे होंगे सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं भी कब्जा कर लेते थे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। वे देश के अंदर कहीं जाते थे धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था, होटल में पैसा देने के बावजूद भी कि अब वहां पर कोई कमरा नहीं मिल पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ को इस आतंक के कलंक से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो सुना आपने, आजमगढ़ में बोले सीएम योगी कि आतंकगढ़ बन गया था ये, आजमगढ़ हमने ठीक किया है। लेकिन वहीं लोगों का इस पर कहना है कि आजमगढ़ की सबसे ज्यादा जो छवि खराब हुई थी वो बटला हाउस एनकाउंटर के समय हुई थी और उस समय बसपा की सरकार और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आजमगढ़ को उस समय का आतंकवाद का गढ़ बोला गया था पर वहां के लोगों ने उन अराजक तत्वों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था, सपा का तो कोई लेना देना नहीं था इस पे। खैर आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन जाते जाते सुन लीजिए कि आप यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको यूपी तक की वेबसाइट पे मिलेंगे जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।